नमस्कार। एक जानकारी आप सबको देनी थी, आपसे साझा करनी थी कि कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना प्रचार कर रहे हैं कि कोविड के ट्रीटमेंट के लिए 1-1.5 लाख रुपए मिलेंगे। इनके संदर्भ में विभाग ने फेक न्यूज़ के माध्यम से केस भी रजिस्टर कर दिया है, और कहीं भी ऐसी जानकारी आपको कोई भी देता है तो हम लोग को ज़रूर जानकारी दें ताकि आपको गुमराह करने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई हो सके। कोविड के समय में ऐसे भी लोग परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, और चिंता के दरमियान गलत जानकारी देके इस प्रकार से गलत सूचना देना मैं समझता हूँ कि आपराधिक है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, किसी भी ऐसे कहने वालों की बात आप बिल्कुल मत मानिएगा। कहीं कोई पैसा ना विदेश की कोई एजेंसी, चाहे वो WHO हो चाहे कोई हो, ना विदेश का कोई देश पैसे उपलब्ध करा रहा है, ना केंद्र सरकार ऐसे पैसे उपलब्ध करा रही है, ना राज्य सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि कोविड के पेशेंट के लिए 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाँ, ये सही है कि निशुल्क आपकी देखभाल, बिना पैसा लगे आपकी देखभाल सरकार करेगी, इतनी सच्चाई है। ये 1-1.5 लाख वाली बात आप बिल्कुल मत मानिए। जो ऐसा आपको कह रहे हैं उनकी जानकारी हम लोगों को दीजिए ताकि ऐसे झूठ को फैलाने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सके। जय जोहर। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज ISECT यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।